जयंती बाणासुर मौलिलालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरा सुराधीश शिखांत शाहीनो भव पादपं सवा महामाया तुम्हें पुकार रही है। महामाया तुम्हारी माता है। माता की लाज रखो। अमृत पुत्रों प्रेत दस्यु आ रहे हैं। अमृत के पुत्रों मृत्यु का भय मिथ्या है। कर्तव्य में प्रमाद करना पाप है। संकोच और दुविधा अभिशाप है। वो सहस्त्र फण अजगर के फूंककार के समान कौन गरज रहा है। ये उत्ताल समुद्र नहीं है। विद्युत गर्भ मेघ नहीं है। ये है आर्यावर्त के तरुणों की तुरंग अंगाई। महामाया माता ने आधा सत्य ही पाया है देवी, आधा और पा सकती तो समझती कि छुई मुई की भांति मुरझा सकना भी कितनी बड़ी शक्ति का सुप्त रूप है। तुम भी उस आधे सत्य से वंचित हो भट्ट। पर मैं दूसरी बात ही सोच रही थी। महामाया ने ठीक ही कहा है कि राजाओं और राजपुत्रों की ओर ताकते रहने से आर्यावर्त का उद्धार नहीं होगा। परंतु यह भी आधा सच है। जानते हो, मैंने आज तक आर्यावर्त जैसी विचित्र समाज व्यवस्था कहीं नहीं देखी। भारतवर्ष में जो ऊंचे हैं वे बहुत ही ऊंचे हैं और जो नीचे हैं उनकी नीचाई का कोई आर पार नहीं। क्यों भट्ट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऊंची भारतीय साधना उन तक पहुंचाई जा सके और निकृष्ट सामाजिक जटिलता यहां से हटाई जा सके? जब तक यह दोनों बातें साथ साथ नहीं हो जाती तब तक शाश्वत शांति असंभव है। महामाया आधा ही देख रही है। भट्ट, यदि तुम इस पूर्ण सत्य का प्रचार और प्रसार करो तो कैसा हो? तुम जो आदेश दोगी वो मेरे सिर माथे होगा देवी। जो वैदिक पौराणिक परंपरा रही है, शास्त्रीय परंपरा रही है, उस शास्त्रीय परंपरा के साथ उन्होंने लोक परंपरा का मिश्रण भी किया, उसका समाज बन लिया। और इसलिए उनके चिंतन में लोक जीवन का यथार्थ है, मानवतावाद है, मनुष्यता के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश की बलिया के आढ़ दुबे का छपरा ओझवलिया की इसी पावन भूमि में 19 अगस्त 1907 में हुआ था। तुम बिटिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बोल रही हो ना? जी। अब पर ये उनका मूल नाम नहीं है। जन्म के समय उनका नाम रखा गया था वैद्यनाथ द्विवेदी। वैद्यनाथ द्विवेदी, लेकिन हम तो उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जानते हैं। इसकी भी एक बड़ी रोचक कथा है, सुनोगी? अवश्य। मेरी भाषा में कि उनके शब्दों में, जैसा आप ठीक समझे। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन किसी मुकदमे में विजय में घर वालों को 1200 रुपये मिले।
उसकी खुशी में मेरा मूल नाम भुलवा दिया गया और मदरसे के रजिस्टर से लेकर विशाल भारत के पन्नों तक में 200 रुपए को कम करके 1000 रुपए की स्मृति को ढोने वाला हतभाग्य नाम इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि लक्ष्मी देवी ने क्रोधवश शाप दे दिया, हजारी तो से आगे तुम इस जन्म में नहीं बढ़ सकते। बुजुर्गों ने जो उन्हें नाम दिया था वो जबरदस्त घटना के कारण विस्मृति के अपार सागर में डूब गया। कहीं से घर वालों को 1000 रुपए की आमदनी हो गई और जन साधारण ने इस अपरंपार धनराशि के ऐतिहासिक महत्व को स्थायी बनाए रखने के लिए हजारी नाम दे दिया। आदमी बुरा नहीं है, थोड़ा कृतज्ञ भी है। डेमोक्रेसी के इस खतरे के युग में भी जनसाधारण के दिए नाम को वो जनता का प्रसाद समझकर अब भी ढोए चला जा रहा है। तो ऐसा है हजारी प्रसाद। देखो बिटिया, ये बस अरिकापुर का मिडिल स्कूल, यहीं से द्विवेदी जी की पढ़ाई शुरू हुई। अच्छा। और हाँ, यहीं से उन्होंने मिडिल क्लास का इम्तहान फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। वाह। हाँ, अब आगे चलें। ये पाराशर मुनि का ब्रह्मचर्य आश्रम है। सन 1920 में मिडिल पास करने के बाद द्विवेदी जी यहीं संस्कृत पढ़ने आए और 3 साल तक यानी 1923 तक यहीं संस्कृत उन्होंने पढ़ी और फिर 1923 में आगे पढ़ने के लिए काशी चले गए। मुझे संस्कृत पढ़ने काशी भेज दिया गया। बात यूं हुई कि मैं संस्कृत कॉलेज में पढ़ता था। इतना आप ध्यान रखें कि हिंदू विश्वविद्यालय का संस्कृत कॉलेज न होता तो मैं शायद कुछ भी नहीं पढ़ सकता था। मैंने इधर उधर से सीख कर थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी और एडमिशन की परीक्षा में बैठा, प्रथम श्रेणी में पास हो गया। हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में बड़े उत्साह से इंटरमीडिएट पढ़ने गया। इंटरमीडिएट के साथ ही संस्कृत कॉलेज से शास्त्री और आचार्य किया। आचार्य करते ही 8 नवंबर 1930 को शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक के रूप में मैंने कार्य आरंभ किया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना शांति निकेतन में गुरुदेव का दर्शन पाना था। मुझे 12 वर्षों तक उनके निकट संपर्क में रहने का अवसर मिला था। उनका जीवन बहुत ही संयमित और प्रेरणादायक था। यही मैं आचार्य क्षितिमोहन सेन, नंदलाल वसु, सीएफ एंड्रूज के संपर्क में आया। शांति निकेतन में द्विवेदी जी 1930 से 1950 तक 20 वर्षों तक रहे। यहीं रहते हुए उन्होंने अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन 1940 से 1946 तक, विश्व भारती पत्रिका का संपादन 1941 से 1947 तक किया। 1946 में वे अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के कराची अधिवेशन के साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे। 1948 में वे अखिल भारतीय ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के दरभंगा अधिवेशन के हिंदी विभाग के सभापति रहे। 1945 से 1950 तक वे विश्व भारती के हिंदी भवन के संचालक रहे। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनके सम्मानार्थ उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। शांति निकेतन काल में ही द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। 1930 के आसपास उनका सूर्य साहित्य प्रकाशित हुआ। 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, 1941-42 में उनकी प्रसिद्ध आलोचना कबीर का प्रकाशन हुआ। 1946 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ। अपने मानवतावादी विचारों की छाया में ही उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति, सभ्यता का और धर्म का भी गंभीर अध्ययन किया था और उसके जो
मूल्य थे उन मूल्यों को उन्होंने आत्मसात किया था। इन्हीं विचारों और मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, समीक्षा के क्षेत्र में वे अवतीर्ण हुए थे। और जो उनके पहले की पूरी परंपरा थी, उस परंपरा को आत्मसात करते हुए भविष्य के लिए कैसी विचार दृष्टि होनी चाहिए, भविष्य के लिए किस प्रकार की का सृजन होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक विपुल रचना भंडार प्रस्तुत किया। 1950 में उन्हें पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष का आमंत्रण प्राप्त हुआ। 2 वर्ष पूर्व भी आमंत्रण मिला था, पर मैं ना गया। पर इस बार बड़ा धर्म संकट था। शांति निकेतन का कहना था कि आपके जाने से संस्था का नुकसान होगा, पर घर वाले काशी बुला रहे थे। अब अंतर्यामी जो कहे सो ठीक, पर अंतर्यामी चुप, न राम न गंगा। मैंने बहुत विनय की कि बाबा कुछ तो बताओ, काशी जाना है। काशी जो मेरा स्वप्न है, जिसके एक एक कण में आकर्षण है, एक एक दर्शन में उन्माद है, गंगा की मनोहर उर्मियों में दहत वायु है। विश्वनाथ और अन्नपूर्णा की अहेतुक कृपा का प्रसार है, उस काशी में जाना। पर अंतर्यामी चुप, भला आदमी जो सोया तो करवट तक नहीं बदला। लोकेर कथा दिशने काने घिरिशने आर हजारे टाने, जेनोरे तोर हृदय जाने, हृदय तोर अपने राजा। हृदय तोर अपने राजा। अब अंतर्यामी भी जागे, फिर गुरुदेव बोले मत जाओ, सब कुछ तय हो गया। जो बात स्वार्थ की दृष्टि से इतनी उलझी हुई लग रही थी, वो कर्तव्य की दृष्टि से एकदम साफ हो गई। इसमें सोचना क्या है भला, मेरे लिए दोनों संस्थाएं ही आराध्य हैं, दोनों का लक्ष्य एक है। फिर मेरे अंदर कर्तव्य का द्वंद्व क्यों उपस्थित हो? चलो काशी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, और लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही हम देखते हैं कि उन्होंने जो भी ग्रंथों की रचना की, चाहे वह अनामदास का पोथा हो या कबीरदास हो या बाणभट्ट की आत्मकथा हो, सब जगह उनका यह लक्ष्य जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। 1950 में द्विवेदी जी काशी आ गए और इसी वर्ष उनकी पुस्तक साहित्य का साथी का प्रकाशन हुआ, और लखनऊ विश्वविद्यालय में साहित्य का मर्म इस विषय पर उनके 3 व्याख्यान हुए। 1952 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल पर 5 व्याख्यान दिए, जिनका संग्रह बाद में हिंदी साहित्य के आदिकाल के नाम से किया गया। इसी काशी काल में ही हिंदी साहित्य, कल्पलता, विचार प्रवाह आदि कृतियां प्रकाशित हुईं। 1952 में उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलेखों की खोज की। 1954 में साहित्य अकादमी से प्रकाशित नेशनल बिब्लियोग्राफी का निरीक्षण किया। 1950 से 53 तक विश्व भारती विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य रहे।
1952-53 में वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष रहे। व्यक्तिमानों की समस्याओं को हल करना ही आज पर्याप्त नहीं है, समाज मानव की समस्या ही हमारे विचारकों को अधिक व्याकुल और चिंतित किए हुए है। इसीलिए यदि हम आज की इस दुनिया की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो बड़ी बड़ी साधनाएं निरर्थक हैं, एकदम निरर्थक। ये बात बहुत गौर करने की है कि नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और मैनेजर पांडे जैसे यशस्वी शिष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वजह से हिंदी साहित्य संसार को उपलब्ध हुए, और इन शिष्यों ने किस कदर अपनी आधुनिकता और प्रगतिशीलता में अपने गुरु को इंडोर्स किया है, उन्हें एसर्ट किया है, उन पर इसरार किया है, ये भी बहुत ध्यान देने की बात है। 1955 में द्विवेदी जी अखिल भारतीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष हुए और इसी वर्ष राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हुए। 1957 में द्विवेदी जी को राष्ट्रपति द्वारा पद्मभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। 1960 में द्विवेदी जी ने काशी छोड़ दी। 1960 से 1967 तक वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रहे, और इसी काल में उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ कुटज, कालिदास की लालित्य योजना और चारुचंद्र लेख जैसी कृतियाँ प्रकाशित हुईं। मैं किंचित मात्र भी चिंतित नहीं हूं बेटी, शस्त्र बल से हारना हारना ही है, आत्म बल से ही हारना वास्तविक पराजय है। बेटी, सारा का सारा देश विदेशियों से आक्रांत हो जाए, मुझे रंच मात्र भी चिंता नहीं होगी यदि प्रजा में आत्मविश्वास बना रहे, अपने गौरव में इतिहास की प्रेरणा जागृत रहे। देवदारू शीर्षक निबंध में उन्होंने कहा, इस देश में लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व को न देखने की आदत है न परख। संत लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए, मोल करो तलवार को, पड़े रहें दुम्यान, मगर तलवार बंद ही रह गई। म्यान के मोल भाव से बाजार गर्म है, व्यक्तित्व को यहां पूछता ही कौन है। अक्टूबर 1967 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष बनकर लौटे। 1968 में वे रेक्टर हुए और इस पद पर वे 2 वर्षों तक रहे। इसके कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला। बाद में हिंदी संस्थान की पुनर्गठन के पश्चात उन्होंने इसके उपाध्यक्ष का पद भी ग्रहण किया। इस बीच उनके 2 उपन्यास प्रकाशित हुए, 1973 में पुनर्नवा और 1976 में अनामदास का पोथा। हे राजन, अधिदैवत अर्थात ब्रह्मांड की दृष्टि से वायु ही संवर्ग है। अब अध्यात्म अर्थात पिंड की दृष्टि से सुनो, पिंड अर्थात शरीर की दृष्टि से प्राण ही संवर्ग है। राजन, ब्रह्मांड के 4 देवता
अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल तथा वायु मिलकर के पांच होते हैं। इसी प्रकार पिंड की इंद्रियां, वाणी, चक्षु, श्रोत, मन तथा प्राण मिलकर भी पांच होते हैं। ये सब दस हैं और ये दसों मानो कृत है। इन्हीं में संपूर्ण विश्व का प्रपंच खेल रहा है। जो इसे जानता है वो दृष्टा रूप में विचरण करता है, संसार में भोक्ता होकर जीता है। 1979 के आरंभ में द्विवेदी जी गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए और उन्हें चिकित्सा के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां 18 मई 1979 को उनके भीतर का देवता महाकाल में विलीन हो गया। मैं क्या कहूँ, कभी कभी आँख में आंसू आ जाते हैं। बड़े बुजुर्ग जब रहते नहीं हैं तब तकलीफ होती है कि क्या हाल होता है, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जब उनका दिन आता है तो मैं कष्ट में पड़ जाती हूँ। कोई भोजपुरी बोलने वाला नहीं, मैं क्या कहूँ अपनी, किस तरह से अपना कष्ट आपको कहूँ, मैं बता नहीं सकती। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुख अपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजो दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये मनुष्य ही वास्तविक लक्ष्य है। ऐसे सांस्कृतिक पुरुष को शत शत नमन है।